चलें जी, ट्रिमिंग शुरू हो गई। उम्मीद तो है कि ये ऐसे ही बड़े आराम से करवा लेगा। जितनी भी करवाएगा हम कर देंगे इसको। हम एनेस्थीजिया जो है वो कोशिश करेंगे ना ही दें। किया था, अभी भी क्रिस्टल्स हैं लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जैडी साहब, और जैडी साहब को हम लेके जा रहे हैं जोहर टाउन क्लिनिक चबी में उसके। और क्यों लेके जा रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था इसकी कटिंग करवाएं ना करवाएं, आप कुछ लोगों ने कहा था करवा लें, कुछ लोगों ने कहा ना करवाएं। जैडी जैडी जैडी, तो आज इसका बेसिकली एक तो चेकअप भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेंगे क्योंकि महीना हो गया अल्ट्रासाउंड करवाए। ब्लैडर क्रिस्टल्स तो अभी भी मेरे यहाँ से होंगे, चेक करेंगे उसको दोबारा से, और साथ में जो है इसकी कटिंग भी देखते हैं करवाते हैं या नहीं करवाते। आप लोगों को वीडियो में आके पता लग जाएगा, और वीडियो लाजमी देखिएगा अंत तक। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जैडी के साथ, है ना जैडी? जैडी करवाते हैं अभी कटिंग, बोलो करवा दें। लें जी, जैरी साहब जो हैं वो आ गए इंजॉय करके गाड़ी में, और अब डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ मिलके हम इसकी करेंगे पहले कटिंग, फिर हम जो है ना वो इसका करेंगे अल्ट्रासाउंड, देखेंगे अभी क्या कंडीशन चल रही है। अल्लाह करे ब्लैडर्स का पहले से बेहतर हो। और चलें जी डॉक्टर साहब, इसकी शुरू करते हैं कटिंग और देखते हैं जी इसका क्या बनता है फिर। चलें जी, ट्रिमिंग शुरू हो गई। उम्मीद तो है कि ये ऐसे ही बड़े आराम से करवा लेगा। जितनी भी करवाएगा हम कर देंगे इसको। हम एनेस्थीसिया जो है वो कोशिश करेंगे ना ही दें। आराम से वैसे करवा तो रहा है अभी, है ना? चलो आराम से करवानी है। नो बेबी, नो नो नो। ले जी, जैडी की हो गई है कटिंग। बड़ी मुश्किल से इसने कराई है, इसने एनेस्थीसिया खाना था, लेकिन मैंने कहा इसको बेहोश नहीं करते, ऐसे ही कर देते हैं। कुछ बिल्लियाँ करवा लेती हैं ऐसे ही, और अब ये ज़रा ना रिलैक्स हो गया काफ़ी हद तक। और अब हम करेंगे इसकी अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं इसके ब्लैडर क्या सिचुएशन है, ताकि उस हिसाब से आगे इसका अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह होना, कुछ भी होना, तो वो हो जाए। अल्ट्रासाउंड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और ये बैठे हैं जैरी साहब, इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है। डॉक्टर दिखाएँ, बिस्मिल्लाह करें। और ये इसका ब्लैडर आ गया, और जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, इस ब्लैडर को देखे तो इसके अंदर लास्ट टाइम जो हमने ईद से कुछ दिन पहले किया था, अभी भी क्रिस्टल्स हैं लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही कम हो गया। मैं साइड बाय साइड पुरानी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और दोनों में कंपेरिजन आप देखिएगा कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया, और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। और वीडियो में आप लोगों को अटैच कर दूंगा साथ में वीडियो। और जैरी साहब जो हैं वो पहले से, इसका मतलब है कि ब्लैडर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इस सिर्फ इस वजह से ही आ रही है कि इसकी डाइट जो है वो मेंटेन की हुई है। जो डाइट इसको चाहिए वो ही दे रहे हैं फिलहाल, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं दे रहे। उसके अंदर डाइट का ही सारा रोल होता है, यूटीआई का, जब भी कोई मसला होता है कैट को। जैरी चलें जी, चलें जी। लें जी, आज एक खुशी की खबर तो हमें मिल गई है कि जैरी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने इसका अल्ट्रासाउंड भी कर दिया, और हमने ट्रिमिंग भी इसकी जो है वो कर दी आज। और जैडी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें, और आप लोगों की दुआ की वजह से ही जो है ना ये बेहतर होना शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी अपडेट देते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।